हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फलक पोल्ट्री केज, और हम आपको थोड़ी सी अपडेट देने जा रहे हैं अपने फार्म की। ये देख सकते हैं, और जो कि हमारा एक फार्म में अभी चिक्स पड़ा हुआ है, और एक फार्म में हमारा चिक्स जो था वो कुछ टाइम पहले 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले हमने बेच दिया था अपना। ये देख सकते हैं, आज हमारे बर्ड को 19वां दिन चल रहा है, 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे बर्ड के, और हमारे बर्ड का जो वेट है लगभग 800 ग्राम प्लस, 850-800 ग्राम प्लस हमारा इसका जो वेट है वो आ चुका है। और अभी आप देख सकते हैं इसमें स्टार्टर ही चल रहा है, जो कि अभी हमने इस लाट में जो हमने ये बैच डाला है, इस बैच में हम जो कि कंपनी का ही दाना खिला रहे हैं। कंपनी का दाना इसलिए खिलाना पड़ रहा है क्योंकि मक्का जो है इस टाइम काफ़ी हवा कुछ इलाकों में, कुछ एरियों में, काफ़ी जगहों में कहीं पे सस्ती है और इधर मिल नहीं पा रही हो। और दूसरी बात जो है, बरसात का मौसम है, हमारी तरफ पानी की थोड़ी बारिश थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। वो नमी आ जाएगी तो मॉइस्चर नमी के कारण वो फीड में वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो कि सूखी मक्का में आता है। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बर्ड काफ़ी अच्छे से रह रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और आपको मैं दिखा दूँ इसके लीटर की कंडीशन। कुछ भाई लोग बोलते हैं, हमारे किसान भाई, आप लीटर कैसे निकालते हैं? उम्मीद करते हैं जल्दी इसकी इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये देख सकते हैं लीटर अभी एक बार भी नहीं निकला है हमारा, जो कि लीटर काफ़ी सूखा पड़ा है। और ये लीटर निकालना काफ़ी आसान है, इसके एक वीडियो आने वाली है, कल या परसों आ जाए, उसकी लीटर की सफाई कैसे किया जा रहा है, कैसे करते हैं हम लोग, उसकी भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इसके जो हमारे बैच में जो इसमें बर्ड है वो 1530 बर्ड था, और 32 बर्ड की जो मोर्टेलिटी हो चुकी है, 32 बर्ड जो कि मोर्टेलिटी हो चुकी है, 32 बर्ड की परसेंटेज हमारी जो 2% जो एक्स्ट्रा मिलता है वो 2% ख़त्म हो चुकी है पूरी। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, ये 70 फीट का फार्म है, लंबाई जो है इसकी 70 फीट है, और इसकी चौड़ाई जो है 20 फीट है। ये काफ़ी सारी वीडियो में हमने दिखा भी रखी है, बता भी रखी है। और ये देख सकते हैं इसमें जो 4 फैन लगा रखे हैं हमने अभी, और इस टाइम दोपहर के 2 बज रहे हैं, और काफ़ी थोड़े बादल से बने हुए हैं, बादल से बने हुए हैं बाहर, जो कि बारिश का मौसम सा लग रहा है, बारिश पड़ने वाली है। अब इस बार जाला, जो जाला होता है मकड़ी का जाला, इस बार मकड़ी का जाला काफ़ी जमा हुआ है। इसमें बर्ड को प्लेसमेंट करने से पहले इसकी सफाई कर दी थी, लेकिन पता नहीं इस बार बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जाला जो है हमारे फार्म के अंदर आ चुका है, और इसे सफाई जो हमने इसीलिए नहीं की है, अभी अगर इसे इसकी सफाई अंदर से करेंगे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरेंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जाला है, और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है फिलहाल। बस इतना सही अपडेट देना था, और किसी भाई का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ प्रश्न हो, वो हमसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। बच्चे सो रहे हैं अभी सब, और किसी किसान भाई को किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो वो मैसेज में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, ज़रूर एक वीडियो हम डाल देंगे बनाकर, जिस टॉपिक पर भी चाहिए है, कि खास करके हमारे जो केज फार्म है इसी के ऊपर बना सकता हूँ, क्योंकि नीचे का फार्म हमारे पास सिर्फ ब्रूडिंग का है, वो बाहर जो छोटा फार्म है हमारा 1000 स्क्वायर फीट का सिर्फ ब्रूडिंग के लिए बना रखा है। ब्रूडिंग उसमें 10 दिन ब्रूडिंग में रखते हैं, 10 दिन बाद हम इसी पे प्लेसमेंट इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं,
जय हिंद, जय भारत, जय किसान।